झगड़ो उसको और तेज से। जकड़ो उसको और तेज जकड़ लो। जकड़ो उसको तेज जकड़ लो। बुलाओ बाहर से जंजीरा मालो को, उसको जंजीरा डालो, तेजी जंजीरा डाल के जकड़ो उसको। उसको बच के मत जाना, उन्हें बहुत सता रहा था करके। क्या क्या जुलूम आ दे रहा उन्हें, कब मारने वाला था, कौन दिए थे तुझे ड्यूटी, कौन लगाए थे, क्या बिगाड़ी थी बच्चिन तेरा। लगा पूरी ताकत और जोर से, और जोर से। हाँ लगा ले पूरी ताकत, लगा जोर से। हाँ जकड़ो उसको और तेजी से। हाँ जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो उसको। क्या है कहीं को तू मार रहा था उसको तू, क्या दुश्मनी थी ऐसी। जकड़ो उसको और तेज जकड़ो, टुकड़े कर देंगे उसके अभी। पूरी ताकत लगा, जकड़ लो उसको और तेज से। जलाओ उसको, अंदर से आग लगा दो उसके तेजी से। जकड़ो उसको और तेजी से। जलाओ उसके चेहरे में तेजी से आग लगाओ। जलाओ तेजी से आग लगाओ उसके चेहरे में, छोड़ो मत उसको। चल बोल बच्ची को कब मारने वाला था वो, कब मारने वाला था बच्ची को, अब मास में पुन्नम में कब मारो बोले उसको। उसका खून पी रहा था अंदर बैठ के, उस वास्ते उसके दिमाग में दर्द हो रहा था। कमबख्त क्या समझा, मुझे सब मालूम रहता नालायक, बता तेरी जबान ही नहीं तो पूरा काट दूंगा। हाँ जकड़ो उसको और तेजी से। कौन दिया था तुझे वो ड्यूटी, कौन दिया था तुझे वो ड्यूटी उसका खून पीने की, कौन दिया था। हाँ जल्दी चलाओ इसको, जरा तेजी से आग लगाओ इसके अंदर, मारो उसको, बुलाओ जंजीरा वालों को बाहर से, और उसको इतना मारो जंजीरों से जकड़ के कि जिसके अंदर उसकी दाल आटे का भाव याद दिलाओ, उसकी चटनी बनाओ उसकी मार मार के कमीने की। वो तो उसका खून पी के उसके दिमाग में दर्द उठा रहा था, खून की कमी हुई तो दिमाग में दर्द उठेगा ना, बहुत पी रहा था अंदर बैठ के। अरे तेरी सारी हरकतें मालूम है मुझे सारी, तू क्या क्या कर रहा था, तो कम वक्त मारो उसको जकड़ के। लगा पूरी ताकत, लगा पूरी लगा, जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो। बहुत बुरा मारूंगा तुझे, देखा ना कैसे जकड़ रहे तेको, तो तेजी से जोर से पूरी ताकत लगा, लगा और जोर से। हो गई यहाँ की सारी ताकत ख़त्म, देख लिया ना, यहाँ आने के बाद यहाँ सब ख़त्म कर देते, कोई ताकत नहीं बचती यहाँ पे।
सबसे बड़ी ताकत अल्लाह कलाम की ताकत जो यहाँ पे है। चल बोल। हाँ क्या कर रहा था तू बच्ची के साथ? हाँ कौन डाला था तुझे लाकर? कोई औरत थी, आदमी था इसके आंग में डालने वाला बच्ची के वो? हाँ कब मारने वाला है तू उसको? अम्मास में, पुन्नम में, कब? कब कब मारो बोले, मार दो बोले, तड़पा तड़पा के मारो बोले, उसके नस नस में भिन के बैठा तू। उसका सारा खून पी रहा तू अंदर बैठ के। और उसको रात में परेशान भी कर रहा तू उसको। बोल बोल, क्यों आया तू उसके आंग पे? क्यों उसको रात में परेशान कर रहा? तेरी बीबी है कमीने वो हराम के? हाँ तेरे दाता तोड़ लूंगा जिससे तू खून पी रहा था, दोनों भी। फिर बोल, आएंगी मजा तेरी? तोड़ू क्या दोनों दाता? लगा ले पूरी ताकत, तोड़ लू क्या वो दोनों दाता? फिर कैसा खून पींगा फिर उसका? और तेरे दो टुकड़े कराने का हुक्म दू क्या? कंबर में से काट के एक टुकड़ा तेरा ले जाके फेंकने लगाता हूँ मशरिक में एक मगरिब में। बोल फिर कैसा परेशान कर सकेगा तू बच्ची को? हाँ जोर से, हाँ और जोर से लगा पूरी ताकत। हाँ जोर से लगा पूरी ताकत, लगा पूरी ताकत लगा जोर से। जोर से और जोर से जलाओ इसको, जरा तेजी से आग लगाओ इसके अंदर भी, जलाओ उसको तेजी से जलाओ, जलाओ उसको, जलाओ तेजी से जलाओ। हो गई इतनी ताकत है? हाँ लगा पूरी ताकत लगा। कहाँ से लाए थे तुझे? कब्रस्तान से लाए थे, मसनवाड़े से लाए थे? हाँ लगा पूरी ताकत लगा, बहुत मारते मेरे चीज़ा, देखा ना कैसा मारते तो। हाँ देखा ना कैसा मारते, ऐसा मारते। खिलाए वाला था उसको, कई में खिलाए थे, कई में खिलाए थे। पन्नी कहाँ गई आँखी? हाँ बोल, हाँ जल्दी बोल, कई में खिलाए थे? हाँ हाँ निकाल रहा था, वाह बाहर निकाल। हाँ देखा ना गर्दन में से दो टुकड़े कर दूंगा वो मैं, जल्दी। हाँ हाँ क्या सिलेंडर होगा इतने जल्दी? अरे रोज परेशान कर रहा था बोलते उसको रातों में आके, बाप का रात चल रहा था बता तेरे। अरे पन्नी लगा के रख रहे सामने बच्चों। चल मार उल्टी बाहर, चल मार पूरी उल्टी, सारी दवा निकाल वो। हाँ निकाल, हाँ निकाल, हाँ निकाल, बहुत बुरा मारता हूँ, निकाल। जा नहीं बोला मैं तुझे ना लाया, पकड़ उसको पकड़, जाने को देख रहा। जलाओ अब उसके पेट में आग लगाओ, जलाओ उसके पेट में से आग लगाओ तेजी से ही। चल निकल बाहर, निकाल पूरा निकाल। देखा ना कैसा मार के जेर करते तो वैसा। Thank you.
सारी दवा बाहर, सारी बाहर। मेरे दो तीन सवाल के जवाब दे दे, मैं फिर छोड़ दूंगा। सवाल के जवाब दे मेरे। बच्ची को कब मारने वाला था वो अम्मास में पुन्नम में? हाँ जबान से बोल, मुझे नहीं समझता वैसा इशारों में। हाँ जोर से बोल, सब दुनिया को सुने आना। हाँ कौन था वो, कौन डाला था उसके आंग में? औरत थी, आदमी था, बच नहीं सकता तू यहाँ से, बच के तो जाने नहीं देते तुझे। जकड़ के रखो उसको और तेजी जकड़ो उसको। हाँ लगा ले, पूरी ताकत लगा तेरी कितनी तो, लगा ले। चल जल्दी बोल, मेरे पास इतना टाइम नहीं, ना आखिर तो पूरा जला दूंगा मैं। हाँ बोल, कौन डाला था? औरत थी, आदमी था? हाँ जल्दी बोल। दूसरे चक्कर तक सब याद करके आके सुनाना, कौन उसके अंदर डाले थे, कहीं में मिला के खिलाए थे, कितने लोग थे, किसने जादू करा था, क्यों जादू करे थे, कौन था, क्या था मसला, सब याद करके आके सुनाना। अगर नहीं सुनाया ना तो दो टुकड़े करके भस्म कर दूंगा तुझे, समझ गया ना? चल पाटे पानी, क्या नाम है? फरजाना। ओए फरजाना भी, ओ फरजाना भी, अरे देखो देखो देखो, अरे अरे क्या होगा था, इतनी बारिश कहाँ से, यार बारिश आ रही थी क्या, देख के आगे ना, अरे क्या हुआ था, देखो देखो देखो, हाँ क्या हो रहा था, हाँ क्या हुआ था, अरे कुछ भी नहीं, पानी कहाँ से आ गया इतना, बारिश में भीग के आए क्या तुम जाके बाहर से? ये देखो इधर कौन बैठे हाला, देखो गौर से इधर देखो, ये कौन है? हाँ ये कौन है, देखो क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, ऊपर देखो ऊपर देखो, देखो और थोड़ी मुंडी उठाओ जरा, ऊपर आँखें खोलो, देखो उनकी आँखें देख कितने लाल हो गए, अंदर आ जाओ, कैमरा मार रहे आँखों की तरफ, ऊपर 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 उड़ो आँखें, इधर देखो कैमरा, इधर देखो दीदे कितने लाल हो गए, देख लिया अंदर, जिन्ना खबीस पिशाच जिन्ना थे वो, डाला पिशाच मार देने के लिए, खून पी पी क्यों सा करता वो, सर में दर्द होता था क्या उनके? हाँ सर में, पूरे बदन में, और ऐसा हाँ। रोना बस, और रात में उठ के परेशान होना, दीवारों से सर ढूंढना, उन्हें करता था वो, पकड़े उसको, खैर अब उनका जैसा बताऊंगा उस तरीके से अमल करो, नक्टर से रेड करेंगे, कौन छोड़ा था क्या छोड़ा था वो आगे के चक्कर में नामा फिमा भी पूछा देंगे उससे, अभी तुझे आने के बाद ये अभी डका रहा हूँ सब, आ रहे उल्टे आऊंगे, मोशन लगेंगे, संडास उल्टे आऊंगे, दवा भी निकल के देंगे। चलो कहाँ से आए थे? इंदौर से। इंदौर में कहाँ रहे थे? अम्मान नगर, चंदन नगर से आगे। चलो ठीक, क्या हुआ, ये कौन है, क्या हो रहा, अंदर हो रही, शरीर दुज रहा है, बोले तो दुख रहा है, मतलब अकड़ गया था, हाँ झुंझुनू चल रही, हाँ झुंझुनू वो पकड़ रहे ना उसको, जमा कर रहे ना पूरा अंदर कभी। चलो कैमरा उधर से जा सामने से। अब ये जो है सब अलग अलग किस्म के शैतान थे, इनकी जो मसला है, इनका ऐसी दास्तान है कि मैं जो देखा तजुर्बे से जो बता रहा हूँ, ये पिशाच जिन्नात है खबीस, जो कि खून पीते इंसान के आंग में का, और बहुत सारे बेबुनियाद हरकतें करते हैं इंसान का, उसका संसार भी नहीं लगने देते, वो उनकी खास बात रहती, क्योंकि वो क्या बोलता, मैं उसके साथ संसार नहीं लगने दूंगा, क्योंकि मैं इधर हूँ तो मर्द को उसके नजदीक नहीं आऊंगा, ऐसा वो शैतान की हरकत रहती हो। वो बहुत सारी दास्तान, उसको बहुत सारे डिफिनेशन, बहुत सारे थे, मगर उतना तो खुल के नहीं बोलूंगा मैं, मगर इन शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कैसे रहते हो। जब पेशेंट के आंग पे आता तो पेशेंट को तो कुछ याद ही नहीं रहता, अब इनकी अभी इससे बल के हाजिर होता है इनके आंग पे नहीं बोला था नहीं, तो अब कोई दरगाह पर कहीं तो भी हाजिर हुआ था, कितने साल पहले? साल डेढ़ साल हो गए। हाँ डेढ़ साल पहले, तो इतना तो नहीं होंगे इतना नहीं, नहीं, नहीं। अब यहाँ पर जो हुआ ये सब रिकॉर्डिंग में आप लोग देख लो, पूरा लाइव में था,
तो ये ऐसा रहता, जिस पर बीतती उसको ही पता चलता, जिस पर नहीं बीतती तो उन्हें क्या ठंडे चौ में बैठकर मजे लेता सबके। जब उस पे बीतती मजे लेने वाले के ऊपर, तो फिर उसके सर पे का आसमान और नीचे की जमीन दोनों भी खिसक जाते, उसके सर पे का आसमान भी गायब हो जाता, पैर के नीचे की जमीन भी। जब जिस जो मजे लेने वाले पर जब बीतती, जब उस पर मार पड़ेगी, जब उस पर ये दास्तान गुजरेगी, जब उसके सर का आसमान का साया और जमीन का नीचे से जमीन भी खिसक जाती पैरों के, जब उसको अकल ठिकाने नहीं। क्योंकि ये जो मामला है ये बहुत ही खतरनाक दास्तान रहती, बहुत ही। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बार बार सबसे ये कहता हूँ कि कुरान की रस्सी को मजबूती से थामो, हदीस और कुरान सही तरीके से मामूल मिलाओ, पढ़ो। दुआ मोमिन के लिए अल्लाह ने हथियार रखा, हथियार बोले तो ये चीजों से तुम्हारे को महफूज रखेंगे अल्लाह, अगर तुम दुआएं पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे इबादत करेंगे तो। अब ये पेशेंट को तो बेचारे को तो कुछ नहीं पता इनके आंख में क्या आया, अभी क्या हुआ तो कुछ याद है क्या, अभी सवाल जाओगे अले क्या चल रहा था तो कुछ तुमको पता है, मारो ऐसे मारो क्या मानो कुछ याद है, कुछ सवाल जाओगे अले कुछ तो ऐसा रहता। पेशेंट को कुछ पता नहीं रहता क्या हो रहा क्या नहीं, अंदर की शयाती शयाती होती वो जो भी है। तो बहुत बड़ी दास्तान, बहुत सारी दास्तान ऐसे है कि लोगों की जिंदगियां ये ऐसे खराब हो जाती है। नहीं करना, जो कोई भी जादू टोने कर रहा एक दूसरे के ऊपर तो गलत बात है। तुम किसी और की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तो क्या तुम्हारी जिंदगी ऊपर वाला भी बर्बाद नहीं करेगा, तो उसकी बद्दुआ अलग के तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। इसलिए कभी किसी के वास्ते खड्डा मत खोदो, दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाला खुद खड्डे में गिर जाता। तो इसलिए मैं और सबसे अहम बात तो यही बोलूंगा कि दुआ मोमिन के लिए अल्लाह ने हथियार रखे वाला है, ज्यादा से ज्यादा दुआ इबादत करते जाओ। जितनी ज्यादा इबादत करेंगे, दुआ और इबादत की रस्सी को, कुरान की रस्सी को मजबूती से थामेंगे, पांच वक्त की नमाज पढ़ोगे, फिर अल्लाह तुमको ये सब चीजों से महफूज रखता। जादू टोना चल जाने के बाद तुम सजदे करने जाएंगे तो फिर तुमको जादू टोने वाले शयातीन सजदे करने से रोक देते, नहीं करने देते इबादत को। तुम देख लो आसमान का, बहुत सारा तजुर्बा मुझे इस हिसाब से बता रहा हूँ। और जिस पर बीतती है उसको ही पता चलता, जिस पर नहीं बीतती है उसको नहीं क्या बोलेगा, बैठ कर मजे लेता। ऐसी बात है, खैर अल्लाह सब को मान में रखे, मैं क्या बताऊँ इससे ज्यादा। और चलो ठीक है, अब कैसा लग रहा हूँ देखो न, अब याद आया क्या, कुछ होश आया क्या? देखो उसके अंदर बता भी दिया अल्लाह कि उनके आंखें कितने लाल थे। अब देखो आंखों की लाली कैसी उतर गई। जब जिन्नात हाजिर होते सब अलग अलग दास्तान रहती, पहले कैसे दीदे लाल हो गए थे अंगार के, अब कैसे कम हो गई लाली, अब धीरे धीरे कम होते होते तो फिर वाइट हो जाता जब चले जाता। बहुत सारे सब तुम लोग झूठ इस बारे में, वो मुझे बहुत कुछ पता है, क्या बता दिया। इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो। हजरत ने तो जैसे कुरान में कुरान नमाज इसकी तो कुछ पावन नहीं थी, जैसे अभी साल डेढ़ साल से इन सब चीजों से ऐसे दूर हो गई हूँ। और दरगाहों पे भी मेरे कंटरी नागपुर आना 26वीं में लगे रहता था, रात रात भर कुरान शरीफ की तिलावत करना, पढ़ाई करना, सब करना। पर अभी अभी साल डेढ़ साल से ऐसी हरकत हो रही है कि सब चीजों से दूर हो गई। जैसे पढ़ने जाती हूँ ना तो बेचैनी घबराहट चालू हो जाती है। देखो सुनो, पढ़ाई तो मेरे बोलता ना, मैं हमेशा बोलता ना, एक बार छिया दिन लग गए तो मैं इबादत नहीं करने देते, मैं इबादत से रोकते समझो। और ये बातों को जहन में बिठाओ कि तुम्हारा को मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, जो भी दास्तान है जो भी बातें, मैं तुमको कोई किताब पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, किताब के अंदर से लिखा ला नहीं, तुम्हारा को लाइव में प्रैक्टिकल बता रहा हूँ सब दास्तान। और सुन लो पेशेंट के मुँह से, जो पेशेंट भी क्या बोलते तो जादू चलने के बाद उसको भी इबादत करने नहीं दिए शैतान, सुना रहा हूँ। तो बेहतर है अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामो, कोई शयातीन की औकात नहीं तुमको परेशान करने, समझ गए? चलो कहने भी सुन लिया, अल्लाह हमें करने की तौफीक दे। चलो।